तो दोस्तों आज हम आए हुए हैं मढ़ कहाँ है, यह मलाड में है। और आज हम मढ़ को एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हैं हम सारी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको मढ़ और मढ़ का सारा इलाका। आई होप आपको बहुत ये पसंद आएगा। तो चलिए आज इसे एक्सप्लोर करते हैं और सारी डिटेल्स बताते हैं हम। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं, आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। यह है मढ़ जेटी और यह है यहाँ का बस स्टैंड, और यहीं से ही जाती है बोट 5 रुपये में, और ये यहाँ का रिक्शा स्टैंड है। और ये पूरा जो सीन देख रहे हैं ये मढ़ जेटी का है। तो आज इसी मढ़ जेटी का हम एक्सप्लोर करने वाले हैं और दिखाने वाले हैं कि यहाँ पे भाई साहब क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे लोग रहते हैं और क्या है। इन सारी चीज़ों को हम दिखाएंगे आपको। आई होप बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको पसंद आएगी। ये पूरा जो एरिया है ये मढ़ जेटी का है। यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें हैं, और ये रहा शौचालय जो महानगर पालिका का है ये वो। और दोपहर के बज रहे हैं इस समय 12, और धूप बहुत ही कड़कड़ा कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अचानक वो लग तो नहीं रही है। लेकिन जो कह रहे हैं जो समुद्र के किनारे हैं, इसके वजह से सारी चीज़ें थोड़ी सी ये हो जा रही हैं। ठीक है, रिफॉर्मेशन डे ऑफ बाइबल फेस्टिवल, बाइबल मिशन चर्च। और ये भी देखिए यहाँ भी अंदर भी है सारी चीज़ें, गाँव हैं ये वो। तो चलते थोड़ा सा अंदर भी एक्सप्लोर करके आते हैं, दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या है। ये भी देखिए यहाँ का जो लोकेलिटी व्यू है वो हम आपको दिखाने वाले हैं, शायद आपको अच्छा लगेगा। तो ये पूरा जो एरिया है ये एरिया मढ़ का है, और मढ़ कहाँ आता है, ये आता है मलाड़ में, और ये मुंबई में आता है मढ़, जो एक आइसलैंड है और एक आप कह सकते हैं एक बीच पर बसा हुआ ये एक जगह है। तो ये मढ़ का गांव है। अब हम गांव में जा रहे हैं, जो मढ़ आइलैंड है वहाँ जा रहे हैं। और ये जो रोड है ये है टैंक रोड, वनीला टैंक रोड। तो ये पूरा गांव का, ये पूरा जो अंदर का इलाका है ये भी है। हम थोड़ा थोड़ा आपको आज चलते चलते एक्सप्लोर करते हैं। ये सागर किनारा वेलफेयर सोसाइटी, और ये आप देख रहे हैं ये नीचे इतना, ये सारी चीज़ें, इतनी ज़्यादा पानी की पाइपें जो अलग अलग है सारा सब कुछ। ठीक है, तो ये जो पूरा इलाका है ये इनका ही, यहाँ पे शूटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, मच्छियाँ सुखाई जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये ऊँचे पर है ये आए थोड़ा सा, तो मैं इसलिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कर दे रहा हूँ, तो एटलीस्ट आपको ये चीज़ें थोड़ी सी अच्छी लगे और समझ आए। ठीक है, तो मैं जो वनीला टैंक रोड है इसी रोड पर चल रहा हूँ, और एक मेन रोड उस साइड है और एक राइट साइड है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें होती हैं। और तो ये देखिए ये भी जगह है, और ये बंगलो है, और ये देखिए यहाँ पे लोग रहते हैं, ये घर है, ये वो सारी चीज़ें। और ये जगह है और बंगलो है, पता नहीं बंद क्यों है। तो ये एक पार्ट है जो ये अंदर का इलाका मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मढ़ के अंदर का है, और ये इलाका मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा समझ आ जाएगा। ये मलाड़ वेस्ट और वेनेला टैंक रोड की तरफ ही जाता है ये इलाका। ये देखिए कैसे बंगलों पड़े हैं। किराया होगा यहाँ पे यार 8 से 10 हज़ार रुपये किराया होगा, 5-6, 8 हज़ार 10 हज़ार किराया होगा। तो ये रोड, इसे पास्कलवाड़ी कहते हैं, और हम लोग पास्कलवाड़ी में आए हैं। ये गौरी नंदन सदन। तो आज मलाड़ का जो मढ़ जेटी है उसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, और बस ऐसे ही है, बंगले भी हैं, कुछ घर हैं,
कुछ चीज़ें हैं, और आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होगी कैसे हैं। ये सड़कें 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 ही हैं, और सड़क पे ही सारी चीज़ें हैं, और पता नहीं घूम के हम कहाँ आ गए। लेकिन ये देखिए, ये वनीना तालाब आ गया है। ये शायद तालाब तो नहीं है, लेकिन यह है जट्टी रोड है, पास की वाड़ी है, और तो ये दिख गया ये तालाब जो है बनीला, तो पूरा ये उसका इलाका है, और ये उसकी बस्तियां हैं, और ये वनीला तालाब है। तो ये देखिए, ये वनीला तालाब और ये वनीला की पूरी सोसाइटी। तो ये यहाँ की पूरी सोसाइटी है, और ये यहाँ की बिल्डिंग है, और ये इस बिल्डिंग के मैं ये बैक साइड आया हूँ, बिल्डिंग के बैक साइड ही आया हूँ। तो ये रहा वनीला तालाब, और ये देखिए ये वनीला तालाब है, और ये तालाब का सीन शायद आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये पूरा जो एरिया है ये यहीं का इलाका है, वलेला टैंक रोड सोसाइटी, और इसी सोसाइटी का मैंने आपको दिखा दिया। तो अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अंदर गांव है, और ये रहा तालाब, और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो पास्कलवाड़ी है मणजेटी का, जिसे कोकण नगर कहते हैं मणजेटी, यहाँ पर हमें, और आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी तो हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ऐसे ही लोग रहते हैं चौल में, और अंदर जो है इसी तरह से लोग रहते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर बताइएगा, और छोटा सा एरिया हमने एक्सप्लोर किया है, और अच्छे से इसे एक्सप्लोर करेंगे। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना।